नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में आया चौंकाने वाला परिणाम। बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए ये कदम। जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हुआ बदलाव, पहले करवाना होगा इन कागजातों का सत्यापन। बांग्लादेश के विरुद्ध दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में डायल 112 के लिए 7,808 पदों की बहाली की स्वीकृति दे दी गई है। पुलिस संख्या बल में बढ़ोतरी को लेकर भी फैसला लिया गया, जिसमें सीधी नियुक्ति के तहत 48,447 पद तो वहीं दूसरे चरण में 19,288 पद का सृजन होना है। कुल मिलाकर 66,735 पदों का सृजन होना है। ऐसे में डायल 112 के पदों को मिलाकर बिहार में कुल 75,000 से अधिक पदों के सृजन को लेकर स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन किया गया है। तो ये बिहार में 2,803 प्राइमरी स्कूलों में बेंच डेस्क खरीद के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। निबंधन कार्यालय परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमनखी, समस्तीपुर, दलसिंह सराय, रोसरा, बीटा एवं दानापुर के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में आया चौंकाने वाला परिणाम। बिहार में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतगणना जारी है। वहीं इस बीच कई जगहों के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सामने आए नतीजों के अनुसार एक तरफ जहां नीतीश सरकार के मंत्री की मां को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद की पत्नी को भी हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि छपरा के दिघवाड़ा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 से बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम की माता कलावती देवी मुनेश्वर पासवान से कुल 140 वोटों से चुनाव में हार गई। वहीं अगर बात करें बीजेपी सांसद की पत्नी के बारे में, तो मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी हाजीपुर नगर परिषद की पूर्व सभापति रमा देवी वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद का चुनाव हार गई। इसके अलावा कुछ चौंकाने वाले भी चुनाव के रिजल्ट सामने आए, जिसमें भोजपुर जिला के बिहार नगर पंचायत क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने 3 पदों पर जीत हासिल की। वहीं हाजीपुर नगर में वार्ड में एमबीए पास बहू से उसकी चचेरी सास को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं सिकंदरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 10 के पार्षद पद का परिणाम लॉटरी के माध्यम से हुआ, जिसमें निशा देवी और सुनीता देवी को 218 वोट मिले। लॉटरी से हुए परिणाम के बाद निशा देवी जीतने में सफल रही। जीत के बाद निशा ने बताया कि जनता और भगवान के आशीर्वाद से जीत मिली है। बिहार सरकार ने गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए ये कदम। अगर आप भी गन्ना उगाने में रुचि रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार के किसानों को ध्यान में रखते हुए गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के अनुदान दिए जा रहे हैं। वहीं 2021 से 22 के पेराई सत्र में गन्ना के मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को फायदा मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे गन्ने जिनकी गिनती उत्तम प्रभेद में की जाती है, उनकी कीमत 335 रुपए क्विंटल निर्धारित की गई है, यानी कि 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। अब अगर बात सामान्य प्रभेद और निम्न प्रभेद की जाए, तो सामान्य प्रभेद 315 रुपए क्विंटल और निम्न प्रभेद 285 रुपए क्विंटल निर्धारित की गई है, यानी कि कुल 20 रुपए और 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इस बात की जानकारी आईपीआरडी के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। सरकार ने गरीबों को बसाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जिलों से मांगी रिपोर्ट। राज्य सरकार के द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी स्थिति की रिपोर्ट संबंधित जिलों के समाहर्ता से मांगा गया है। बता दें कि अब तक के आंकड़ों के अनुसार ऐसे 2,470 परिवारों में से ऐसे परिवारों की संख्या जिन्हें वास भूमि उपलब्ध करा दी गई है कुल 1,674 परिवार है। शेष 796 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु स्थल का सर्वेक्षण एवं क्रय प्रक्रिया चालू है। वहीं अब तक जल जीवन हरियाली के तहत जल स्रोतों पर अतिक्रमण के कुल 18,527 मामले थे, जिनमें से 18,305 अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। शेष बचे 222 पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चल रही है। नॉर्दर्न रेलवे ने 25 रिक्तियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू नोटिफिकेशन जारी किया।
नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ने विभिन्न डिसिप्लिन में सीनियर रेसिडेंट के कुल मिलाकर 25 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू नोटिस जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को संबंधित डिसिप्लिन में पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा डीएम डीएनबी डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। वॉक इन इंटरव्यू की तारीख 3 जनवरी और 4 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.nr.indianrailways.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैट्रिक व इंटर परीक्षा में रैंडमली होगी शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार बोर्ड द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को निर्देश दे दिया गया है कि वे अपने स्तर पर रैंडमली शिक्षकों की सूची निकाले जिन्हें इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में वीक्षण का कार्य करना है। बता दें कि शिक्षक इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में वीक्षण का कार्य उस स्कूल में नहीं करेंगे जहां वे पढ़ाते हैं, इसलिए जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर रैंडमली जिन शिक्षकों का नाम जिन स्कूलों के लिए निकाला जाएगा उन्हें वहीं जाकर वीक्षण का कार्य करना होगा। लेकिन सभी चीजों में सबसे अहम बात यह है कि जिला स्तर पर वीक्षकों की नियुक्ति की अंतिम तारीख 20 दिसंबर यानी कि बीते दिन तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी भी सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा कार्यालय को नहीं भेजी है। हालांकि इसकी जानकारी जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा बोर्ड को दे दी गई है। जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हुआ बदलाव, पहले करवाना होगा इन कागजातों का सत्यापन। बिहार में जमीन से जुड़े सबसे ज्यादा मामले हैं, ऐसे में अब मध्य निषेध एवं निबंधन विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि गलत व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री पर लगाम लगाने के लिए आधार के सत्यापन नियम को लागू किया जा रहा है, जिससे कि अब कोई भी व्यक्ति जमीन या फिर मकान की रजिस्ट्री करवाता है तो उसे अन्य संपत्ति के साथ कागजात को आधार से सत्यापित किया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि आधार का डेटा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI से लिया जाएगा। जब डेटा को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तो उसके बाद उसे एक सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा। वर्तमान में सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है, जैसे ही सॉफ्टवेयर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद टेरासिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को इस काम की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ऐसे में अब विभाग की जिम्मेदारी है कि 1 जनवरी से यह नियम प्रदेश में प्रभावी हो जाए। राजगीर वन्यजीव सफारी इस वजह से है बेहद खास। राजगीर वन्यजीव सफारी राजगीर बिहार भारत में स्थित एक वन्यजीव सफारी है जिसे 16 फरवरी 2022 को जनता के लिए खोल दिया गया था। चिड़ियाघर सफारी को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार द्वारा लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। चिड़ियाघर की सफारी 191 हेक्टेयर में फैली हुई है और इसमें 5 जोन है जैसे कि हर्बीवोर सफारी, बियर सफारी, लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी, जिसमें 250 से अधिक शाकाहारी और मांसाहारी रहते हैं। इसका मुख्य आकर्षण आदमकद जंगली जानवरों की मूर्तियों के साथ एक सेल्फी पॉइंट है। इसमें जंगली जानवरों के सूचनात्मक वीडियो के साथ एक अनूठा व्याख्या केंद्र है। जू सफारी की अनूठी विशेषता यह है कि राजगीर जू सफारी में जंगली जानवर पिंजरों में नहीं है बल्कि एक बड़े प्राकृतिक वन क्षेत्र में मुक्त है। राज्य सरकार ने बालू खनन को लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर को दी चेतावनी। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक बालू खनन होने की शिकायतों को मिलने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को चेतावनी देते हुए नीति के जारी कर दिया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के मोहम्मद नैयर इकबाल के द्वारा पत्र में लिखा गया है कि स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कई जिलों में बालू घाटों का संचालन हो रहा है। प्रत्येक घाट से कितना बालू का खनन करना है वह भी निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद निर्धारित सीमा से अधिक बालू खनन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा जो प्रतिवेदन विभाग को दिया गया है उसमें कई गलतियां पाई गई है और ये सभी चीजें नियमों का सरासर उल्लंघन है, इसलिए 3 दिनों के अंदर इस संबंध में आप सभी अपना स्पष्टीकरण विभाग के पास जमा करें। बिहार के लाल ईशान किशन ने ऑटोग्राफ देने से एक इनकार करते हुए जीता दिल। भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे ईशान किशन ने अपने प्रशंसक को ऑटोग्राफ देने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने ऑटोग्राफ न देने का कारण भी बताया, जिसे सुनकर सभी खुश हो गए और ईशान किशन ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। बता दें कि झारखंड की टीम की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलने के दौरान जब ईशान किशन से उनके प्रशंसक ने उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा तो ईशान इसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जब उनकी नजर वहां पड़ी जहां सबसे पहले MS धोनी का ऑटोग्राफ था तो उन्होंने वहां विनम्रता से अपने ऑटोग्राफ न देने की बात कही और कहा कि वो अब तक भारत के पूर्व कप्तान के हस्ताक्षर के बगल में ऑटोग्राफ देने के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए उन्होंने अपना सिग्नेचर नीचे किया।
डीएलएड की खाली सीटों के लिए बिहार बोर्ड ने जारी की स्पॉट नामांकन की डेट। बिहार बोर्ड द्वारा डीएलएड के संयुक्त प्रवेश परीक्षा साल 2022 के आधार पर स्पॉट राउंड की डेट जारी की गई है। आपको बता दें कि इसमें इच्छुक अभ्यर्थी 23 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक बिहार बोर्ड के प्रशिक्षण सत्र 2022 से 24 में नामांकन करवा सकते हैं। डीएलएड के प्रशिक्षण सत्र 2022 से 24 में नामांकन के लिए जारी 3 चयन सूचियों के बाद स्पॉट नामांकन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस बात की सूचना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी सूचना में हुई है। बिहार बोर्ड के अनुसार स्पॉट एडमिशन के तहत वैसे अभ्यर्थियों को नामांकन मिलेगा जिन विद्यार्थी द्वारा सीएफ तथा शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है, पर अभी तक उनका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर दुखन राम के बारे में। डॉक्टर दुखन राम एक भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ, अकादमिक, विधायक और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वह भारत के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के एक अनुसंघी संगठन आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवारी पर सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से 1962 का बिहार विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा और 1961 में अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्म भूषण के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। नीतीश सरकार ने बजट 2023 से 24 के लिए आम जनता से मांगा सुझाव। राज्य की नीतीश सरकार के द्वारा वित्त विभाग की वेबसाइट पर लिंक जनरेट कर बजट 2022-23 के लिए आम जनता से सुझाव मांगा है। बता दें कि इस लिंक पर जाकर कोई भी आम व्यक्ति बजट को लेकर राय दे सकता है। इस बात की जानकारी वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा दी गई है, लेकिन इस लिंक पर सुझाव देने के दौरान जनता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सुझाव हिंदी भाषा में दिया जाए। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि सुझाव यदि 20 पंक्ति से ज्यादा का हो तो उसे स्कैन करके लिंक से अटैच करना होगा। राज्य सरकार के द्वारा सुझाव देने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2023 तक निर्धारित की गई है। राज्य में 3 नए ऊपरी पुल का निर्माण जल्द। राज्य में पथ निर्माण विभाग की ओर से 143 करोड़ 24 लाख की 3 नए रेल ऊपरी पुल के निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। बता दें कि ये पुल मोतिहारी, दरभंगा और सारण जिले के रेलवे क्रॉसिंग पर बनाया जाएगा। इसके निर्माण में पहुंच पथ के साथ कुल 220 करोड़ 11 लाख खर्च होने का अनुमान है। मिली जानकारी के अनुसार इस पुल के निर्माण के लिए 143 करोड़ 24 लाख के अलावा शेष राशि रेलवे से प्राप्त की जाएगी। इस पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण के द्वारा किया जाएगा। वहीं इस पुल के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023 से 24 तक रखा गया है। इसी के तहत पहले साल में करीब 20% तक का काम पूरा करना है। बिहार में 3 दिन बाद बढ़ेगी ठंड। बिहार में पछुआ हवा की गति थमने से न्यूनतम तापमान में फिलहाल बढ़ोतरी हो रही है, जिससे राज्य के अधिकतर शहरों में सुबह और शाम के समय ठंड में गिरावट आई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 3 दिनों के भीतर राज्य में फिर से ठंड बढ़ने के आसार है। इस साल के आखिरी हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में हवा की गति अभी 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर सतह पर यह शांत है। पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से अगले 72 घंटे में फिर से ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। नल जल योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक परिवार आधार से जुड़े। राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही जल जीवन मिशन के वेबसाइट पर हर घर नल का जल योजना से जुड़ा एक रिपोर्ट अपलोड किया जाएगा। बता दें कि इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी जाएगी कि हर घर नल का जल योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 64 लाख से अधिक परिवारों को कनेक्शन दिया गया है और साथ ही 1,59,279,222 से अधिक परिवार वैसे हैं जिनके आधार को इस योजना से जोड़ दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता कि इस योजना के तहत 1,66,98,215 परिवारों को कनेक्शन देना है। हालांकि तैयार की गई इस योजना के रिपोर्ट को जिलों के द्वारा विभाग को भेज दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां 100% काम पूरा किया जा चुका है, तो वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां 90% काम को पूरा किया जा चुका है। सीएम नीतीश ने ली हाई लेवल मीटिंग।
बीते दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित की, जिसमें बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी समेत अन्य वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के द्वारा यह मीटिंग बिहार में क्राइम और शराबबंदी समेत कई मुद्दों पर चर्चा करने को आयोजित की गई थी। बताते चले कि बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी के लिए कल की मीटिंग बिहार के डीजीपी के पदभार संभालने के बाद सीएम के साथ उनकी सबसे पहली मीटिंग थी। डीजीपी आरएस भट्टी ने बिहार के डीजीपी का पदभार 19 दिसंबर की शाम को संभाला था। अपनों के साथ नया साल मनाएंगे लालू यादव। इस बार का नया साल लालू यादव के लिए सिंगापुर में काफी खास होने वाला है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार इस साल लालू यादव सिंगापुर में ही अपना नया साल मनाएंगे। ऐसे में लालू परिवार के कई लोग नए साल पर सिंगापुर जा रहे हैं। बता दें कि नए साल के मौके पर इसी सप्ताह तेजश्री यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ सिंगापुर जाएंगे। वहीं खबर यह भी चल रही है कि लालू यादव अब जल्द ही सिंगापुर से वापस लौट सकते हैं। उनकी तबीयत में जैसे ही सुधार होता है उन्हें सिंगापुर से दिल्ली वापस लाया जाएगा। बता दें कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद से वे सिंगापुर में ही हैं। वहीं अब तक की मिली जानकारी के अनुसार वे खरमास के खत्म होने पर सिंगापुर से वापस आ सकते हैं। मानवाधिकार आयोग पर भड़की आरजेडी ने कही ये बात। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जांच करने को लेकर बीते दिन आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के द्वारा मानवाधिकार आयोग पर भड़कते हुए पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मानवाधिकार आयोग भाजपाधिकार आयोग बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें भाजपा शासित राज्यों में हुआ है, पर मानवाधिकार की टीम उन प्रदेश में जांच के लिए नहीं गई जहां भाजपा का शासन चल रहा हो। सत्ता से बेदखल होने के बाद भाजपा हर अनैतिक कार्यों को सही ठहराने पर आमदा है। चिराग पासवान ने की बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग। बिहार में हुए शराब कांड को लेकर बीते दिन संसद में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने नीतीश सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। बता दें कि उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और साथ ही शराब कांड से जुड़े मामलों पर सीबीआई से जांच कराई जाए। उन्होंने कहा है कि मैं सदन में अपने प्रदेश बिहार को बचाने के लिए आया हूं। जहरीली शराब से एक के बाद एक मौत से राज्य में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई है, लेकिन इस सभी चीजों के बावजूद राज्य में महागठबंधन के नेता खामोश हैं। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार इस मामले में स्वतः संज्ञान ले और राज्य में राष्ट्रपति शासन लाए। आज की तारीख इस वजह से है बेहद खास। रंगीन चित्रों और आवाज वाली पहली कार्टून फिल्म डिज्नी स्नो व्हाइट का प्रदर्शन 1937 में किया गया। पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले पोत आईएनएस सतवाहन को 1974 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहाजी बेड़े में शामिल किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को 2008 में अमेरिका पत्रिका न्यूज बीके ने दुनिया के 50 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया। गंगनम स्टाइल 2012 में यूट्यूब पर 1 अरब बार देखा जाने वाला पहला वीडियो बना। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 1891 में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्ण मचारी श्रीकांत का जन्म 1959 में हुआ। देश के जाने माने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट पी के अयंगर का निधन 2011 में हुआ। बांग्लादेश के विरुद्ध दूसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। भारतीय टीम बांग्लादेश दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रही है। पहला टेस्ट 188 रनों से जीतने के बाद टीम इंडिया दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए तैयार है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट 22 दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा। इसी बीच भारतीय खेमे से बड़ी खबर आ रही है कि कप्तान रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है। बीसीसीआई मेडिकल टीम का मानना है कि इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ और समय चाहिए, इसलिए वो बांग्लादेश के विरुद्ध दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। रोहित के अलावा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 का भत्ता दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह मैसेज फर्जी है, भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही, कृपया ऐसे मैसेज फॉरवर्ड न करें। पीआईबी ने इन बड़े
बड़े यूट्यूब चैनलों की खोली पोल। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने भ्रामक जानकारी देने वाले बड़े यूट्यूब चैनलों का भी वैसे चैनल है जो प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई के बारे में गलत जानकारी फैलाते हैं। लेकिन इनमें हैरान करने वाली बात यह सामने आती है कि इन वीडियो को 30 करोड़ बार देखा जा चुका है। वहीं इन सभी चैनलों के सब्सक्राइबर भी कम से कम 33 लाख थे। पीआईबी के द्वारा दी गई जानकारी एक अन्य यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआई और चुनाव आयोग के बारे में अफवाह फैलाया गया था, जिनके सब्सक्राइबर करीब 10 लाख थे। वहीं इन वीडियो को 32 करोड़ बार देखा जा चुका है। इसी तरह के कई यूट्यूब चैनलों का पोल खोला गया है। अब व्हाट्सएप पर गलती से डिलीट मैसेज को कर पाएंगे अंडू। मेटा का मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एक्सीडेंटल डिलीट फीचर की शुरुआत की है, जिससे आप गलती से डिलीट किए गए मैसेज को अंडू कर सकते हैं। बता दें कि ये फीचर गलती से हटाए गए मैसेज को 5 सेकंड की विंडो देकर यूजर्स की मदद करेगा और इसे डिलीट फॉर मी से डिलीट फॉर एवरीवन पर क्लिक करने देगा। यह फीचर यूजर्स को एक हटाए गए मैसेज को जल्दी से अंडू करने के लिए एक कुछ सेकंड देती है। बता दें कि यह फीचर एंड्रॉइड और आईफोन उपकरणों पर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, मुटु रंगीला, गोनर शर्मा, गोलू कुमार, रूपेश कुमार, अखिलेश यादव, पूजा कुमारी, रविंद्र पासवान, उमेश ऋषिदेव, पंकज कुमार दास, रानी गुप्ता, मोहम्मद सकीर हुसैन, मधुलता, सुशील कुमार, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 आम बजट में सरकार को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।